हाँ जी जानवी। जी शेप के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट किया था, मोमेंट सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। ये मास का रोटेशनल एनालॉग है, इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, ये डिपेंड करेगा मास पर, डिपेंड करेगा शेप साइज पर, डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। अब देखिए एक्सप्रेशन देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अच्छा कॉइन वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया था, भाई मैं कॉइन ले ही लूं, एक मिनट कॉइन कॉइन वाला एग्जाम्पल एक बार और समझा। देखिए ये कॉइन है, इस कॉइन को मैं दो तरह से रोटेट कर सकता हूँ, एक ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, आप कह सकते हो ये रोटेशन उस एक्सिस के अबाउट है, ये कॉइन अगर रखा हुआ है इस एक्सिस के अबाउट है जो सेंटर से पास हुआ है, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और सेम कॉइन है इसे ऐसे भी रख सकते हैं, डायमीटर पर रखा आपने कॉइन को और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, डायमीटर के अबाउट ज्यादा देर तक रोटेट कर। सो ज्यादा देर तक रोटेट करने का मतलब है डायमीटर के अबाउट कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब एक्सप्रेशन देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पॉइंट मासेस। अगर आपके पास एन पॉइंट मासेस हैं और उनका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये एक्सिस है, मासेस बिखरे हुए, ये M1 है, एक्सिस से M1 का सेपरेशन है R1, ये M2 है, एक्सिस से M2 का सेपरेशन है R2, ये MN है, एक्सिस से MN का, ये आपको दिया हुआ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपसे कहता हूं ये जिस एक्सिस के अबाउट ये सारे मासेस रोटेट कर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, मासेस इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर, आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, फर्स्ट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज M1 R1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, M1 MR स्क्वायर। For second mass, the separation of second mass from the axis of rotation is m2 r2 square. So, moment of inertia is m2 r2 square. Separation of nth mass from the axis of rotation is rn. So, here moment of inertia is mn rn square. So, this is the formula of moment of inertia for n individual masses. Iski derivation bhi hai, ise hum derive bhi kar lenge. पर डेरिवेशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं हो, तो जस्ट थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, फिर डिराइव करके दिखा देंगे कि ये है क्या, कहां से आता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल मासेस। अब इसी पर क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कहता हूं 4 पॉइंट मासेस, आर याद रखिएगा, R1 R2 RN क्या चीज है, ये सब पॉइंट मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R1 is perpendicular distance of M1
from axis of rotation. From axis of rotation. So M1 ka perpendicular distance from the axis of rotation is R1. Similarly, R2, its perpendicular distance of M2 from axis of rotation. Axis of rotation se M2 ka jo perpendicular distance hai, that perpendicular. Ab dekhiye ek cheez aur yaad rakhiyega. Moment of inertia na scalar hai, na vector hai. It's a tensor quantity. It is a tensor quantity. जैसे आप पढ़ते हैं ना स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ऐसी ही टेंसर क्वांटिटीज होती है. इज अ टेंसर क्वांटिटी. इसकी जो SI यूनिट होगी, इट्स मास इनटू सेपरेशन का स्क्वायर. सो SI यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर. उसकी जो SI यूनिट होगी, इट्स मास इनटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन. सो द SI यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर. ये इसकी SI यूनिट होगी. इट्स द टेंसर क्वांटिटी. एक्सक्यूज मी सर. यस. सो व्हाट इज द टेंसर क्वांटिटी? टेंसर आर बेसिकली ऑल क्वांटिटीज आर टेंसर्स. टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर इज नोन एज स्केलर. स्केलर के अपने लॉज होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के. टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर नोन एज वेक्टर्स. वेक्टर्स आप लोगों ने किया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर्स का डिफरेंट होता है फ्रॉम स्केलर्स. जस्ट लाइक वेक्टर, हायर ऑर्डर के टेंसर्स होते हैं जिन्हें हम टेंसर ही कहते हैं. सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर जो टेंसर्स होंगे, दीज आर नोन एज टेंसर्स. इन टेंसर्स के रूल्स अलग होते हैं. इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के रूल्स स्केलर्स और वेक्टर्स से अलग होते हैं. जैसे वेक्टर्स के रूल्स स्केलर्स से अलग होते हैं, ऐसी ही सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर टेंसर्स के रूल्स वेक्टर्स और स्केलर्स से अलग होते हैं. तो स्केलर्स आर जस्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज. जैसे स्केलर वेक्टर है, ऐसी ही टेंसर भी टाइप ऑफ क्वांटिटीज. बट फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में सिर्फ टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो केसेस देगा जिन केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेंसर वाली कैलकुलेशन और स्केलर वाली कैलकुलेशन एक सी हुए. अच्छा, इसका मतलब मैं दोबारा बता देता हूं. टेंसर समझ में आ गया? दे आर जस्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज. टाइप ऑफ क्वांटिटीज. जैसे आपने स्केलर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, इसी तरह से एक और तीसरा आ गया टेंसर. और टेंसर के रूल्स अलग होते हैं. जैसे आपने वेक्टर्स पढ़ा था डिटेल में, ऐसे ही टेंसर्स के रूल्स होते हैं. बट टेंसर्स के रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. सो अनुभव, इज इट क्लियर? यस सर, बट आई एम स्टिल नॉट क्लियर विद व्हाट इज द फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर. ऑल क्वांटिटीज दैट यू केम अक्रॉस आर नोन एज टेंसर्स. ऑल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी, वर्क डन, all quantities that you came across are tensor quantities. Tensors can be further divided into categories. There is a tensor which is known as tensor of zero order. So tensor of zero order means these quantities for addition, subtraction and multiplication of these quantities you can use algebra. Jo algebra aap class 10 tak karte hain, wo algebra can be used for these quantities of zero order. So they are known as scalar. So zero order is due to mathematical operations. ये zero order type के जो tensors होंगे, ये algebra follow करते हैं. इनका addition 2+2 = 4 होगा. इनका multiplication 2×3 = 6 होगा. Subtraction के rules वही होंगे जो आपने class 10 तक करे. इसको zero order कहते हैं. Then you have first order tensor. इसकी mathematics बिल्कुल अलग है. First order tensors को आप vectors कहते हैं. So Anubhav, can you add vectors algebraically? No. Vectors ko add karne ke liye aapko kya chahiye? You need vector laws like parallelogram law chahiye, triangle law chahiye. You need polygon law to add or subtract vectors. Just like vectors, there are higher order tensors.
मीन्स इनकी जो मैथमेटिक्स है वो वेक्टर से भी डिफरेंट होगी, तो इसको कहते हैं हायर ऑर्डर टेंसर, सेकेंड ऑर्डर टेंसर. सो दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर ऑफ हायर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर टेंसर. तो यहाँ रूल्स अलग होंगे, यहाँ मैथ्स अलग फॉलो करेगा. जैसे वेक्टर्स एल्जेब्रा फॉलो नहीं करता, वेक्टर्स में 2+2 4 ना होकर 2+2 0 भी हो सकता है, 2+2 1 भी हो सकता है वेक्टर्स के. तो टेंसर्स में भी ऐसी होगा, ये उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला स्केलर्स या वेक्टर्स का. अनुभव, आई होप इट्स क्लियर नाउ. यस सर, यस सर. सो दैट्स जस्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल स्किल्स. हाँ, जानवी पूछ रही है, आप जो लिख रहे हैं बहुत लेट आ रहा है. जानवी, वो लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो रहा होगा. तो एक तरीका होता है, एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करो तो मे बी वो प्रॉब्लम कम हो जाए, वो लैग खत्म. अब्दुल्ला, ये रेडियस है. हाँ अब्दुल्ला, आप कह सकते हैं कि जब ये घूमेगा ना पूरा, तो ये सब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. सो द रेडियस ऑफ पाथ इज आर फॉर मास एंगल. सिमिलरली ये भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ना सब. तो MN इसके अबाउट जो रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, सो रेडियस ऑफ पाथ फॉर दिस पार्टिकल MN इज आर. बट रेडियस ऑफ पाथ वाली टर्मिनोलॉजी जब आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, इसीलिए मैं रेडियस ना लिखवा कर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखवा. अच्छा, अब्दुल एंड अब्दुल्ला दोनों का यही क्वेश्चन. सो इसको रब कर दूं मैं, इतना लिख लिया सबने. मार्समैन सर, चलो इसको फिर मैं रब कर रहा हूं. अब प्रॉब्लम ये आती है कि इट्स नॉट अ स्केलर. नाउ इफ इट इज टेंसर, तो इसको स्टडी करने के लिए पहले टेंसर के रूल्स पढ़ने चाहिए. बट फॉर्चुनेटली आपके पास सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, सिर्फ वो कैलकुलेशंस आएंगी जहां टेंसर के रूल्स स्केलर के रूल्स के साथ मैच करते. तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कैसे करूँगा. वो सिलेक्ट कर आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम्स देगा जहां पर वो स्केलर लॉस के साथ मैच कर रहा हो. तो अलग से आपको टेंसर मैथमेटिक्स नहीं करना. सो इवन अप टू जेई एडवांस आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा जहां आपको टेंसर की जरूरत पड़े. ये तो बस आपको पता होना चाहिए द टेंसर क्वांटिटी, तो मैंने लिखी. सो जानवी, आप लिख लिया था ना लास्ट वाला सब? Yes. अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के ऊपर है. सो यू हैव अ रॉड और यू हैव अ स्क्वायर. सर, पिछले वाले में आपने बस R2 लिखवाया था ना लास्ट. R2 is the perpendicular distance of M2 from the axis. यूनिट और लिखवाई थी मैंने, यूनिट लिख लेना. क्या थी सर यूनिट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. ये लिख लो. इज इट टेंसर क्वांटिटी SI यूनिट? ओके जी अब्दुल्ला, हायर क्लासेस में. क्वेश्चंस देखिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक स्क्वायर गिवन, सेंटर ऑफ द स्क्वायर से एक एक्सिस आपने पास कर दिया. यू हैव मासेस, मास ऑफ 2 kg, मास ऑफ 3 kg, मास ऑफ 4 kg and mass of 5 kg. They are placed on each vertices of the square. Or instead of 2, 3, 4, 5, hum isko aise le lete hain. M2, M3, M le lete hain. Zara calculation asaan hai. Let's call this as M. This is 2M. This is 3M. And this is 4M. Each side of the square is M. So 4 point masses are placed are placed
on the vertices of a square, as shown in figure. Calculate moment of inertia of system about an axis, first part, passing through center, like axis one, second, diagonal of the square. डायगनल ऑफ द स्क्वायर तो ये दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस ये दिया हुआ है वन और एक डायगनल हो जाएगा. इन दो एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, फुल साइड ए दी हुई है. सो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए एक्सिस से हर मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए बाई टू, ये भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये भी ए बाई टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी a बाई टू आ जाए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी a बाई टू. यहां तक क्लियर है ना, सेंटर से पास हो रहा है तो इट्स a बाई टू. तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट मास इनटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, सो दैट्स m इनटू इट्स a बाई टू स्क्वायर. Then second mass multiplied by the square of separation between them. भाई फिर से आप जो answers दे रहे हैं ना, please everyone वाले में दिया करिए, private messages मत करिए, सबको पता चल जाएगा आपके answers क्या हैं. 2m into a by 2 square plus 3m into a by 2 square and the last one is 4m into a by 2 square. So the moment of inertia is, it's m a square by 4, it's 2m a square by 4, it's 3m a square by 4, plus it's 4m a square by 4. So agar main sab add kar do, 2, 3, 6 or 10, to ye aa gaya 10m a square by 4. So that's 4, 10 by 4 is 2.5. So it's 2.5 m a square. So that is moment of inertia about axis 1. Ye clear hai sabka? Abdullah, Gaurav, Abdul, Sudhanshu, Caspel, sabke answers theek hai. But yahan tak clear hai sabka first? Manaswan? Yes, sir. अनुभव क्षेत्री? यस सर, क्लियर सर. यस सर. जानवी, डाउट इसमें? डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जब पूछूंगा तो आप लोगों से होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है. चलो इतना नोट कर लो, मेरे पास स्पेस भी नहीं बची हुई. फिर सेकंड पार्ट करते हैं, डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट करें. कोई भी डायगोनल ले लीजिए अब, तो दोनों डायगोनल्स आइडेंटिकल हो. जब आप लिख लो तो मुझे बताओ प्लीज, इसे इरेज करते हैं तो इसे इरेज कर दूं, सब लिख चुके हैं.
कोई नहीं लिख रहा, सब लिख चुके। यस सर, यस। तो देखिए अब अगर मैं डायगोनल लू, सेकेंड पार्ट करते हैं, तो इसमें से इसको तो रख कर देता हूं, इसे रख। चलो कैस्पल का आंसर भी आ गया, ये कैस्पल वाली स्पीड भी जाए कोई एक। अच्छा हाँ, अलग अलग डायगोनल के अबाउट अलग अलग आएगा, मासेस अलग अलग है, सही पूछ रहा था कोई। इस डायगोनल के अबाउट निकालते हैं, सही पूछ रहा था आपने। यस, मासेस अलग अलग हैं, हर डायगोनल के अबाउट अलग हो जाएगा, इस डायगोनल के अबाउट। तो देखो ये फर्स्ट मास का डायगोनल से सेपरेशन कितना दिख रहा है मनुष्य, फर्स्ट मास एम का डायगोनल से सेपरेशन कितना दिख रहा है मनुष्य, जीरो। थ्री एम का भी जीरो, तो यहां तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या टू एम। टू एम का जो सेपरेशन होगा ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, ए रूट टू। अगर मैं स्क्वायर ले लूं, हाँ ए रूट टू होता है, ये जो पूरा डायगोनल होगा ये ए रूट टू होगा, इतना ए रूट टू का हाफ हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन होगा ये आएगा ए बाय रूट टू। ये सिंपल मैं स्क्वायर की ज्योमेट्री से लिख रहा हूं, स्क्वायर का डायगोनल हाफ हो जाता है, तो ये a बाय रूट टू होगा। सिमिलरली ये वाला भी कितना बचेगा, a बाय रूट टू हो जाएगा। अब जब हम पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सेकेंड पार्ट में, सो दैट्स m, फोर्स से तो जीरो स्क्वायर, टू एम। इसमें एक चीज पूछनी थी, इसमें जी 90 डिग्री अप्रोच थोड़ी हो रहा है, क्योंकि ये 90 को कट कर रहा है, तो 45-45 डिग्री के नहीं बना रहा वहां पे। ये भी 90 और ये भी 90। अच्छा हम ऐसे भी ले सकते, अच्छा ऐसी तो लेंगे, मतलब उस एक्सिस के साथ ना, 2m into a by root 2 का स्क्वायर, 3m into 0 स्क्वायर, 4m into, ये क्या है आमना, फोर एम इंटू ए बाय रूट टू स्क्वायर। तो ये दोनों तो जीरो हो गए, ये आ गया 2m मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बाय टू प्लस इट्स 4m मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बाय टू। सो योर आई वुड बी दिस टू विल कैंसिल दिस टू, 4, दिस इज 3m ए स्क्वायर। वेरी गुड, 3m ए स्क्वायर। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जैसे मैंने कहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस, आप एक्सिस चेंज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो हमने एक्सिस चेंज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। इज इट क्लियर अनुस्मन, नेत्री, अनुभव? यस सर, इट्स क्लियर सर। दोबारा बोलो, सुनाई नहीं आया। बिल्कुल नहीं सुनाया, चलिए इसको फिर मैं रब कर रहा हूं, रब कर दूं। सो दैट वाज अबाउट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ यू हैव डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए एंड देन ऐड दम। बट अगर आपको मैं रिजिड बॉडी दे दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये मैत्री बताएगी, मैत्री मुझे बताओ मैं आपको सर डिस्क्रीट होता क्या है। It means अलग अलग है, एक मास यहाँ पर है तो दूसरा मास यहाँ, गैप से मास। ओके सर।
अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गैप्स कैसे भी हो सकते इक्वल हो अनइक्वल हो कैसे भी हो सकते डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस नो सॉरी डिस्क्रीट हो गया कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन So if you have continuous distribution, or in short, if you have a rigid body, तो moment of inertia calculate करने के लिए, it's dm r square. The limit depends upon that form of integral. Like moment of inertia was m1 r1 square, m2 r2 square, m n r square, but you have A rigid body, अगर आपके पास if you have a continuous distribution, then it would be integral of dm r square. Just आपका जो addition था वो addition integral से replace हो जाएगा. And the limit of integration simply depends upon the system. First example देखो. In fact, ये derivations हैं. कुछ cases rigid body का हम moment of inertia निकालते हैं. Rigid body मुझे कौन बताएगा that what is a rigid body? Rigid body मुझे सुधांशु बताएगा सुधांशु व्हाट इज अ रिजिड बॉडी क्या मतलब होता है रिजिड बॉडी का सर जिसका वो चेंज नहीं हो सकता मतलब क्या जिसका क्या सर शेप एंड साइज फिक्स होता है सर फॉर डिफॉल्ट जिसका शेप और साइज फिक्स्ड होता है हाँ सर और एक शब्द भी तो था सर और डिफॉर्मेशन जीरो मतलब डिफॉर्म पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग इट जी सर तब आप इतना भी याद रखें ना बॉडी हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज दैट्स अ रिजिड बॉडी सो रिजिड बॉडी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन So you need moment of inertia of a ring about an axis which is passing through the center of the ring and is perpendicular to the plane of the ring. So आपने ये ring ले ली. Moment of inertia चाहिए एक axis के about जो इसके center से pass हो. इस axis के about moment of inertia. Ring का radius is capital R, mass of the ring is. तो देखिए ring पे जो mass distributed होता है वो circumference पर distributed होता है. So, मुझे बताओ कि रिंग कैसी बॉडी है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और इट्स अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यस रिंग कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस इसमें कहीं कोई गैप नहीं है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सो इन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये रिलेशन यूज करना होगा आप क्या करो इस रिंग का एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लो डीएम रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर ईजिएस्ट जो डेरिवेशन होती है वो रिंग की होती है तो एक स्मॉल एलिमेंट आपने डीएम ले लिया सेंटर से सेपरेशन आर है अनुभव मुझे बताओ कि जरा व्हाट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम अबाउट द सेंटर अनुभव क्षेत्री यस सर सो वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम From the center of ring,
from center of frame. So what is moment of inertia of BM about R, about the center? Anubhav? So it would be perpendicular to the Z axis. No, I'm just asking about the moment of inertia. What is moment of inertia of DM about the center? See, what is the separation of DM from the center? The separation of DM from the center. R. It's R. What is the formula of moment of inertia? It's mass into separation square. MR square, right? So instead of M, you have DM. So your mass is DM. Separation from the center is capital R, so that's dm r square. आपके पास अगर mass है और center से separation है, just it's m into r square. ये आ जाएगा moment of inertia. But ये moment of inertia सिर्फ dm का. आपको किसके लिए चाहिए for complete ring? तो पूरे system के लिए moment of inertia. Moment of inertia. Of ring about center. So here continuous means the distance r perpendicular will be same for all the elements, right? Continuous means there is no break in between elements. No break in between elements. Okay. If I consider DM here, so bilkul ek neighborhood mein ek DM mil jayega. There is no break from one DM to another. That means what? So moment of inertia of ring about its center चाहिए. For the moment of inertia of ring about center, you can simply integrate dm into r square. So Janvi, इस integral में capital R देखो जरा constant है या vary कर रहा है? मैं पूरी ring पर integrate कर रहा हूँ. Capital R is constant या vary करेगा, Janvi? Sir, constant. Constant है तो देखो r square constant है, अलग हो गया. It's just integral of dm. जब आप डीएम को इंटीग्रेट करोगे सो डीएम का इंटीग्रल हो जाएगा. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ डीएम? दैट्स एम. डी इंटीग्रल ऑफ डीएम मींस थ्रू आउट द रिंग. आपने एक स्मॉल एलिमेंट डीएम यहाँ लिया, आपने एक स्मॉल एलिमेंट डीएम यहाँ लिया, आपने एक स्मॉल एलिमेंट डीएम यहाँ ले लिया. पूरी रिंग के जितने भी डीएम है सबको आप कंबाइन कर. द सिंपलेस्ट इंटीग्रल. यहाँ तो लिमिट की भी जरूरत नहीं है. इसके एक एंड से स्टार्ट करो, कह दो यहाँ से जीरो है, और जब पूरी रिंग को कवर कर जाओगे तो मास कितना हो जाएगा? कैपिटल. इसका जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल कितना आएगा? अब m आ जाएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स सेंटर इज सिंपली mr स्क्वायर. इस इंटीग्रल में तो कुछ है ही नहीं, dm बचा होगा. जीरो से m तक इंटीग्रेट करना है तो dm का इंटीग्रल वुड बी m. आगे जो आएंगे वहां आपको प्रॉपर इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी. मास, मास अब्दुल, मास हमने कंसिडर किया ना, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डी, द टोटल मास ऑफ द रिंग. कैपिटल एम इज द टोटल मास. सो अगर आप सारे स्टेप्स ही लिखना चाहो सो यू कैन राइट दिस एज डीएम का इंटीग्रल इज एम, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल एम. सो आई इज आर स्क्वायर एम माइनस जीरो, सो आई इज एम आर स्क्वायर. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स. इसमें मुझे डाउट बताइए. हाँ, जो मास, जितना मास होगा वहां तक लिमिट लेंगे आप. अगर रिंग का मास 2m कर दूं तो लिमिट 2m तक हो जाएगी. इतना हो जाए मुझे बताइए, रफ कर दें.
ओके चलिए इतना सब लिख चुके हैं, नेक्स्ट देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं। रिंग के बाद एक और कैलकुलेशन देखिए, अगर मैं आप इतनी बार पूछने के बाद मैं रब करता हूं, देखो सारे शेप्स का आपको डिराइव नहीं करना, मैं तो एक दो कैलकुलेशंस के बाद डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूंगा, सारी डेरिवेशंस आपसे कोई नहीं पूछता। रिंग के बाद देखिए, अगर मैं आपको रॉड दे दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through his center. Passing through its center. So, एक rod दी हुई है, आपको rod का moment of inertia चाहिए एक axis के about जो rod के center से pass हो। So, it's a rod. रॉड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो गया, ये रहा। इस एक्सिस के अबाउट आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड गिवन टोटल जो लेंथ है रॉड की दैट इज, तो यहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कीजिए, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास पीएम, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज से डीएक्स एंड द सेपरेशन ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस इज एक्स। सो लेट्स कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, small element of mass dm, length dx, at a separation x from the axis, at a x from the axis. So from this axis at a separation x, मैंने एक small element consider कर दिया। अच्छा अनुभव मुझे बताओ, what's moment of inertia of dm about the axis? अनुभव चैत्री। हाँ जी सर। So what's moment of inertia of dm about the axis now? From the axis separation is x. Sir dm x square. dm x square. That's possible. अच्छा अनुभव, अनुभव जोशी, अच्छा पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अनुभव, अनुभव है भाई, पूरे रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या करोगे? इस पूरे को इंटीग्रेट कर, अभी देखेंगे लिमिट क्या होगी इंटीग्रल की, इस डीएम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर। अब देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रल कैसे डिसाइड करेंगे, ये तुम्हारा ओरिजिन है, टोटल लेंथ एल थी, हाफ हाफ एल बाई टू हो जाएगा, ये इतना भी एल बाई टू हो जाएगा और ये इतना भी एल बाई टू हो जाएगा, तो यहां का जो कॉर्डिनेट है दैट कॉर्डिनेट इज प्लस एल बाई टू, दैट्स प्लस एल बाई, यहां का जो कोऑर्डिनेट है दैट्स माइनस एल बाई, प्लस एल बाई टू एंड माइनस एल बाई, तो यहां लिमिट हो जाएगी, लिमिट इज फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई, जो लिमिट है इंटीग्रल की, द लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई, ये लिमिट होगा इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये जो डीएम एलिमेंट है
स्मॉल एलिमेंट ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है, इस एक्सट्रीम एंड से लेकर इस एक्सट्रीम एंड तक, ये ओरिजिन है आपका, तो ये माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। नहीं अब्दुल, हाफ रोटेशन क्यों, हम रोटेशन से लिमिट नहीं लेते, हम रॉड से लिमिट लेते, ये जो स्मॉल एलिमेंट है पूरी रॉड पर लाई कर सकता है, रॉड के एक एंड से लेकर रॉड के दूसरे एंड, एक एंड के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस एल बाई टू, दूसरे एक्सट्रीम एंड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये लिमिट हो गई माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। हाँ कैस्पल बिल्कुल सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन नंबर टू तक? कोई इशू नहीं, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या ये इंटीग्रल सॉल्वेबल है, क्या इस इंटीग्रल को यही सॉल्व कर सकते हैं? जानवी, जानवी तुम्हें आवाज आ रही है? यार एक तो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो फिर दिल चाहता है आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछने बंद कर दूं, जो दो चार के रिस्पॉन्स आते हैं, देखो क्वेश्चन पूछता हूँ चैट रूम में आंसर आने शुरू हो जाते हैं, कईयों से पूछते रहो कोई जवाब नहीं। सुधांशु, क्या इंटीग्रल सॉल्व हो सकता है? यस सर। ये सॉल्वेबल है? नहीं नहीं सर। दो इंटीग्रल, दो वेरिएबल्स हैं, एक dm और x, x कांस्टेंट नहीं है, x वेरिएबल है, देखिए x वेरी करेगा ना, x तो सर सॉल्वेबल नहीं है, मतलब क्या सॉल्व नहीं किया जा सकता ना, सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक m है और एक x है। किसी तरह से dm को x में dx में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे कोई बताएगा यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, ये मुझे कौन बताएगा, ये आमना जरा बताओ मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा बच्चे? So, m by l, l लेंथ का मास इज m, यूनिट लेंथ का जो मास होगा दैट विल बी m by l। अच्छा जानवी, dx लेंथ का मास क्या होगा? सर dx into m by l, m by l into dx, और इसी को हम dm कहते हैं ना, dx लेंथ के मास ही को dm का होगा, so dm is m by l into dx, say that's equation number 3. Now you can substitute this 3 into, when we substitute 3 into, your moment of inertia is, it's minus L by 2 to plus L by 2, it's M by L into dx into x square. So now you can take this M by L as constant, bahar chala jayega. It's minus L by 2 to plus L by 2, it's x square dx. Isse integrate kijiye aur final result likhiye. सिंपल सा इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाता है, बस लिमिट रखने का काम रह गया आपको, एम बाय एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इज एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए और मुझे बताइए इंटीग्रल कितना है। चलो गुड, एक हर्षित का आंसर आया, कैस्पल का पहले आ चुका था,
और आंसर्स चलो अब्दुल का भी आ गया So, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये होगा m by 3l, इट्स x क्यूब विच इज l by 2 क्यूब माइनस माइनस l by 2 क्यूब. सो I आ गया, इट्स m by 3l, इट्स l क्यूब by 8 माइनस माइनस ऑफ एल क्यूब बाय, सो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, सो दैट्स एम बाय थ्री एल, इट्स एल क्यूब बाय फोर, सो दिस एल विल कैंसिल दिस क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली एम एल स्क्वायर, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ये याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस, अगर मैं एक्सिस चेंज करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. फिलहाल मैं एक्सिस एक फिक्स एक्सिस ले रहा हूँ विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड. अब इसमें एक चीज और है, देखो अभी तो रॉड का मैंने मास कॉन्स्टेंट दिया था, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था. मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि अगर ये रॉड है, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ इस रॉड का 1 सेंटीमीटर पोर्शन उठा लो, यहाँ मास है 2 ग्राम, तो यहां से भी 1 सेंटीमीटर उठाओगे तो मास कितना होगा 2 ग्राम. इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट आता है. अगर ये टर्म m by l कांस्टेंट है, दैट मींस योर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. अगर m by l वेरी करने लगे, चेंज करने लगे, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा. तो ये ऑलमोस्ट सबका आ गया है, मैं इसको रब कर रहा हूं. एक क्वेश्चन और करते हैं रॉड पर, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, हम इसे दोनों सेक्शंस रॉड के अलग अलग बॉडीज कंसीडर करके फिर उनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास से डिस्क्रीट बॉडी से निकाल सकते हैं. डिस्क्रीट कैसे लोगे? अगर आप ये कह रहे हो कि हाफ हाफ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर एड कर, यही कह रहे हो? नो सर, वो हाफ हाफ रॉड का सेंटर ऑफ मास लिया और फिर उसे एक डिस्क्रीट बॉडी कंसीडर कर लिया. वो नहीं कर सकते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के लिए आपको थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस. वो जो काम आप कह रहे हैं उसे हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस में डिस्कस करेंगे. आप ये कह रहे हो ना कि मैं अगर इस रॉड को ले लूं ऐसे, और इस रॉड को यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एल बाई टू इधर हो गया, एल बाई टू इधर हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं इस एक्सिस के अबाउट, इसका अलग कैलकुलेट करूं इस एक्सिस के अबाउट और ऐड करूं, ये कह रहे हो? यस सर. तब कर सकते हो. लेकिन अगर आप ये कह रहे हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते. आप ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉमन एक्सिस के अबाउट, तभी आप ऐड कर सकते हैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक कॉमन एक्सिस के अबाउट है. ऐसे नहीं ऐड होगा कि यहां पर था यहां था ऐड कर दिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आप कैलकुलेट करो तो ये चीज दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, इट्स एक्सिस स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. वंस यू चेंज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज नहीं करें. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? इफ मास पर यूनिट लेंथ इज अ कांस्टेंट, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. बट इफ योर मास पर यूनिट लेंथ इज अ वेरिएबल, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म.
जैसे अगर मैं ये रॉड दे दूं, ठीक है, रॉड आगे थिक होती चली जा रही है, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भाई, यहाँ मास कम होगा, यहाँ छोटा सा पोर्शन लेता हूँ तो मास कम होगा, यहाँ छोटा सा पोर्शन लेता हूँ ज्यादा मास हो जाएगा, थिक होता चला जा रहा है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस passing through its center its mass density rod of linear mass density lambda और lambda given है आपको, lambda is kx, lambda kx दिया हुआ भाई देखिए, अरे जब lambda kx दिया हुआ है अब्दुल्ला तो constant कैसे हो जाएगा, जब मैंने kx लिखा हुआ है तो फिर वो constant कैसे हो जाएगा, लैम्डा तो लिखा हुआ है कि एक्स। देखिए आपको रॉड दिए, रॉड के बिल्कुल सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, चलो भाई देखते हैं आंसर्स। एक कैस्पल का आंसर आया और तो पता नहीं, बाकी लोग कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। सर भेज दिया हो गया था। अब्दुल का आया है, यश का आया है, जीरो। तो यहां आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएम, इसका सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस एक्स है, इसकी जो थिकनेस है इट्स थिकनेस इज डीएक्स, और ये रॉड इसकी अबाउट रोटेट करेगा, तो डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज डी आई विच इज डीएम एक्स स्क्वायर। पूरी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन नंबर वन। अब आपका एक काम है, किसी तरह से आप डीएम को कैलकुलेट करिए, तो डीएम कैलकुलेट करने के लिए मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं। देखिए लैम्डा आपको दिया है, लैम्डा इज के एक्स, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज लैम्डा, यूनिट लेंथ का रॉड का मास लैम्डा है, तो मास ऑफ डीएक्स लेंथ ऑफ रॉड, तो जो डीएक्स लेंथ है इसके मास को आप डीएम लिख सकते हैं, और ये डीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स हो जाएगा, और लैम्डा आप जानते हो, लैम्डा आपको दिया हुआ है के एक्स, तो लैम्डा की जगह के एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपका डीएम आ गया, डीएम आ गया के एक्स डीएक्स। मुझे इस स्टेप तक बताओ, स्टेप टू तक कोई डाउट है किसी का, या क्लियर है सबका? यस सर, सबका क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। इस टू को वन में सब्स्टिट्यूट कर देते, जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, इट्स इंटीग्रल ऑफ इट्स के एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट इज भाई लिमिट ऑफ इंटीग्रल वही होगी जो पहले थी, माइनस एल बाई टू टू एल बाई, हाँ लैम्डा ही तो के एक्स है ना, तो लैम्डा की जगह के एक्स रख दिया, ये मिल गया आपका। सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इट्स इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू
2 plus L by 2, it's kx cube dx. चलिए मुझे इस स्टेप तक बताइए, कोई डाउट है किसी का? अप टू दिस स्टेप याद नो सर चलिए यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं. k कांस्टेंट है, बाहर चला गया. x क्यूब को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज x क्यूब टू द पावर 4 बाय 4, इट्स माइनस ऑफ एल बाय 2 टू प्लस एल बाय 2. तो ये k बाय 4 बाहर आ गया, तो ये आ गया एल टू द पावर 2 की पावर 4 माइनस ऑफ माइनस एल बाय 2 टू द पावर 4. तो जी हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अबाउट दिस एक्सिस. तो अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जीरो आने का मतलब क्या हुआ? कोई ऑपोजिशन नहीं होगा इस एक्सिस के अबाउट, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा. मींस एक बार इसे सर, वो जीरो कैसे आया? देखिए, माइनस एल बाय 2 की जब आप पावर 4 लेंगे तो प्लस ही आएगा ना. यस सर. इसको भी मैं सॉल्व सर, मतलब एक बार फोर्स लगाने के बाद ये सर घूमते आएगा हमेशा. कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? माइनस का भी जब फोर्थ पावर करोगे तो प्लस आएगा ना. यस. नहीं हर्षित, सैटेलाइट भी नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो. तो डिस्ट्रीब्यूशन ही मैंने कुछ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस बेसिकली जहां से पास हो रहा है उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन जीरो है, बस इतना है. इट्स अनफिजिकल कंडीशन. इतना सब लिख चुके हैं तो रब कर दूं इसे. चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं. अब इसके बाद देखिए, आपको रॉड सॉल्व करना आ गया. जी अब्दुल्ला, बिल्कुल, आपको रॉड सॉल्व करना आ गया. रॉड के बाद अगर आपके पास नेक्स्ट एक शेप और बचता है जो आपको सीखना है, दैट इज डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ डिस्क. ऑफ डिस्क about an axis passing through its center. एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको एक एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो. तो आपने डिस्क ली हुई है, सो दिस इज द डिस्क. दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क. रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल आर, और ये डिस्क रोटेट कर रही है. सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर. तो देखो, डिस्क में आप जो स्मॉल एलिमेंट लोगे, वो स्मॉल एलिमेंट लेंथ एलिमेंट dx नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग नहीं है. देखिए, रिंग और डिस्क में डिफरेंस है. रिंग में जो मास है वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिर्फ लेंथ के ऊपर, बट डिस्क में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो जब आप डिस्क सॉल्व करोगे, तो डिस्क सॉल्व करने के लिए आप ये वाला यूज कर सकते, रिंग वाला dx एलिमेंट नहीं यूज करेंगे. यहां मास डिस्क में एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड,
तो आप जो स्मॉल एलिमेंट यूज करेंगे वो आपका स्मॉल एलिमेंट भी एरिया का एलिमेंट होना चाहिए। तो उसको ऐसे करते हैं, यहां पर ना एक रिंग में ज्यूम कर लेते, तो यहां पर मैंने एक रिंग एज्यूम कर ली है। इस रिंग का रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ द रिंग इज एक्स एंड थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज डी। तो यहां जो स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है मैंने, दैट इज दिस रिंग। सो कंसिडर an elemental ring of radius x and thickness dx. Radius x and thickness dx. हाँ अब्दुल, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म से फर्क नहीं पड़ेगा, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ेगा। जैसे रिंग है, रिंग में सिर्फ मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट dx ले लिया। लेकिन डिस्क में मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो स्मॉल एलिमेंट एरिया का लेना होगा। तो मैंने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये वाला, ये स्मॉल एलिमेंट है आपका पूरा, ये पूरा आपका स्मॉल एलिमेंट जो मैं व्हाइट से शो कर रहा हूँ, ये आपका स्मॉल एलिमेंट। पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इस स्मॉल एलिमेंट को पूरी डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। पहले आप इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद इसको पूरी डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। एंड मास डी, और इसका जो मास है का मास इज डी। तो देखो, इसका जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे इस रिंग का अबाउट द सेंटर, भाई जानवी क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट द सेंटर? जानवी, ऑफ रिंग अबाउट द सेंटर अभी लिखा था हमने, कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जो स्मॉल रिंग आपने ली है अबाउट द सेंटर? अभी किया था हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो यहाँ डी आई हो जाएगा। ये जो आपने स्मॉल रिंग ली है, इसका मास इज dm, रेडियस इज x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm x स्क्वायर, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। तो आपने जो रिंग ली, इसका मास dm है, रेडियस इज x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज dm x स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको ये पूरी डिस्क के लिए चाहिए तो x को इंटीग्रेट करना होगा इनिशियल लिमिट से लेकर फाइनल लिमिट तक। इनिशियल लिमिट मींस x इक्वल टू 0, फाइनल लिमिट मींस x इक्वल टू कैपिटल R। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए dm x स्क्वायर। और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। इस डिस्क को, डिस्क कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है? डिस्क एग्जिस्ट कर रही है सेंटर से लेकर और यहां तक। मनुष्य, अगर मुझे डिस्क के सेंटर पर जाना है तो रिंग का रेडियस क्या होना चाहिए? 0। और अगर मुझे सर्कमफेरेंस पर आना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r। दैट्स इक्वेशन नंबर। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया है, किसी तरह से इस dm को आप x की टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा मेत्री, जरा बताओ कि मुझे यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, एरिया पर या लेंथ पर? सर एरिया, मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मास पर यूनिट एरिया बता दो, पूरी डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, है ना? Yes, sir, pi r square. मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? सर m into pi r square. Sorry, upon pi r square.
अब ये जो एलिमेंटल डिस्क है, ये जो रिंग मैंने ली है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग। ये जो आपने एलिमेंटल रिंग ली हुई है, इस एलिमेंटल रिंग का एरिया चाहिए। तो इसका जो एरिया आएगा डी एलिमेंटल रिंग का एरिया। सो एलिमेंटल रिंग का एरिया आएगा, इसका सर्कमफेरेंस लो और इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। सर्कमफेरेंस कितना होगा इसका, 2πx। जब ऐसी डीएक्स थिकनेस की अगर मैं आपको कोई रिंग दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं इसका एरिया निकालिए, एरिया ये वाला पोर्शन जितना वाइड है ना, ये वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ ये वाला, जितने पोर्शन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं ऐसी आपको कोई रिंग दे रहा हूँ, ये वाली रिंग है, यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं कह रहा हूँ ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया निकालिए। इसका निकालने का आसान तरीका है, सर्कमफेरेंस लो और थिकनेस से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे इतने एरिया का मास क्या होगा? आमना, आमना इसका मास कितना होगा? यस डीए का, हाँ सर डीए का होगा डीएम। हाँ, उसको क्या लिखेंगे, मतलब डीएम तो है ही नाम उसका, उसको मैं चाह रहा हूँ एमआर की टर्म्स में लिखूंगा। कैसे निकाल सकते, मानस तुम बताओगे? मानस जोशी, कैस्पिल बताओगे जरा क्या मास होगा इतने एरिया का? सर एम बाय पाई आर स्क्वायर टू पाई एक्स डीएक्स। वेरी गुड, यूनिट एरिया का मास आ गया ना, मास ऑफ यूनिट एरिया इज एम बाय पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया का मास क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट डीएम इतने एरिया का मास हो जाएगा 2 पाई एक्स डीएक्स मल्टीप्लाइड बाय एम बाय पाई आर स्क्वायर। देखो यार, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डी एम आ गया, इट्स 2 एम ओवर आर स्क्वायर इनटू एक्स डीएक्स, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। चलिए इतना लिखिए, फिर सब्सट्यूट करते हैं और इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर, हमने बस एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग सर्कमफेरेंस में क्यों लिया था? सर्कमफेरेंस पर क्यों लिया था? एरिया सर्कमफेरेंस का लिया, एरिया तो ऐसे ही निकालते हैं ना, आप किसी भी चीज की लेंथ लो और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैंने सर्कमफेरेंस लिया और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दी। और जो तुम कह रहे हो मास, शायद तुम ये पूछना चाह रहे हो मास इतने रीजन में क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? हाँ जी। तो मटेरियल सिर्फ इतना ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है, हॉलो है अंदर, सिर्फ इतना मटेरियल, सिर्फ इसीलिए मैं इतने पोर्शन का एरिया ले रहा हूँ, इतने पोर्शन पे मास। अच्छा, मतलब एक, अच्छा ठीक है, समझ गया। और उसके बाद फिर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी डिस्क को बनाने के लिए, जीरो से कैपिटल आर तक इसे इंटीग्रेट कर। इतना लिखिए सर, इसमें डीए की वैल्यू ये कैसे आएगी? देखिए, एरिया निकालने का तरीका होता है सर्कमफेरेंस लो, अगर ऐसा कोई सिस्टम दिया है, और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका रेडियस एक्स था, रिंग का सर्कमफेरेंस मैंने निकाल दिया 2πx, थिकनेस डीएक्स थी, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऐसे ही आता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πx इंटू डीएक्स कर दिया। मैत्री, मैनेजमेंट तुम भी यही पूछ रहे थे? चलिए इतना लिख लीजिए और इसके बाद फिर इंटीग्रेट भी कर देता हूं इसे। सर, और इस डायग्राम में जो रिंग है वो येलो वाला पार्ट है या फिर व्हाइट वाला पार्ट है? व्हाइट वाला, व्हाइट वाला पूरा, तो येलो तो डिस्क है ना आपका, ये स्मॉल रिंग है, सिर्फ इतना जो पोर्शन है इसमें मास डिस्ट्रीब्यूट। यश, कुछ गड़बड़ आ रही है, चेक करो एक बार कैलकुलेशन। तो आप एक काम कीजिएगा, डीएम को 1, डीएम को 2 में रख दीजिएगा, 3 को 2 में रख दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट इंटीग्रल आप लोगों से हो जाएगा, सिंपल सा इंटीग्रल है। यश, कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन?
चलो गुड, ज्यादा लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। ज्यादातर लोगों का इंटीग्रल सही है। करेक्ट आंसर इज एम आर स्क्वायर बाई टू एक्सैक्ट। सो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर दू 3 in 1, 3 in 2 तो आपका इंटीग्रल आ जाएगा, इट्स 0 to r, इट्स dm, विच इज 2m/r² xdx into x². सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इट्स 2m/r², it's 0 to r, it's x³ dx। जब आप इंटीग्रेट करेंगे, it's 2m/r², it's x⁴ by 4, लिमिट इज फ्रॉम 0 to r। देखो अब भी अगर इस बैच में कोई है जिससे सिंपल इंटीग्रल नहीं सॉल्व होता, दैट मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं करते। इससे ज्यादा कोई टीचर नहीं सिखा सकता, थोड़ी बहुत तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। r⁴ - 0 सो कैंसिल कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू बी mr² तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डेरिवेशंस में बस ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। रॉड आना चाहिए, डिस्क सॉल्व करना आना चाहिए, रिंग सॉल्व करना आना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद के जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें हम डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे। तो बस समझो फर्स्ट बुक का आखिरी टॉपिक है ये, जो थोड़ा बहुत परेशान करेगा आपको, सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे। चल इतना हो गया तो रब कर दूं इसे। यस सर। ओके अच्छा, टाइम भी हो गया, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। होपफुली कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मेजर चैप्टर नंबर 7, उसके बाद कुछ खास बचता नहीं। सो आज इसे यहीं छोड़